सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से 2D में। आज हम डिस्कस करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए 65 पैसे की तेजी देखने को मिली, और ये स्टॉक 1.5% के करीबन का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लूज कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 12.5% की तेजी देखने को मिली है, तो वहीं एक महीने के अंदर 50% की तेजी देखने को मिल रही है, 3 महीने में 42%, 6 महीने में 121% और 1 साल के अंदर 142% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो लगातार स्टॉक में एक हाई लो हाई पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक लगातार एक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक में एक टॉप बना 136 रुपीज का, इस पॉइंट पर स्टॉक में एक हाई लगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक का नीचे का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 116 रुपीज। 116 रुपीज से इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक इस प्राइस से नीचे गिरता है तो स्टॉक में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर रहता है तो स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहां से इससे पहले स्टॉक में एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक में ऊपर पर एक रुकावट रेंज है 136 रुपीज, जिसका स्टॉक का एक टॉप प्राइस है। स्टॉक जैसे 136 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए 165 रुपीज के एक बड़े टारगेट के लिए जाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।